हेलो गाइस, मैं आज आपको ये आर्टिस्ट जो यूज़ करते हैं स्केच पेंसिल्स, स्केचिंग पेंसिल, इसके बारे में, और ये है ये पेंसिल, इसके अंदर ये पेंसिल्स थी और नॉर्मल पेंसिल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है वो बताती हूँ। कि ये तो है, ये सस्ती सी आती है पेंसिल, स्कूल में हमने यूज़ की है, और ये पेंसिल है ये स्केचिंग के लिए, डार्कर एरिया के लिए यूज़ होती है, ये पेंटिंग में भी यूज़ होती है, जो हम ऑयल पेस्टल पेंटिंग करते हैं ना उसमें भी ये पेंसिल यूज़ होती है। और मोस्टली ये सबसे ज़्यादा मेरी पेंसिल ये वाली यूज़ हुई है, ये है HB 10B की पेंसिल है ये, क्योंकि मोटी होती है तो ये शेडिंग के लिए ज़्यादातर काम आती है, ईजिली इससे शेड हो जाता है। बाकी ये जो और तरीके की शेडिंग्स होती है, जैसे जैसे आप ये पेंसिल्स का यूज़ करेंगे तो आपको इसके यूज़ भी पता चल जाएंगे। जैसे 6B की है, ये इस पर लिखे हुए हैं कि सारी क्या क्या पेंसिल्स हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, और ये इसके अंदर ये सारी पेंसिल्स दी हुई हैं, तो इस सब की अलग अलग यूज़ है। बाकी मैं आपको एक पेंसिल में इन दोनों में फ़र्क दिखा देती हूँ, कि जैसे देखिए ये पेंसिल है, हमने इससे ऐसे शेडिंग की, बिल्कुल हल्के हाथों से शेडिंग करनी होती है हमें, हम जब भी करते हैं। इसके लिए जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको पता होगा कि एक पेंटिंग या स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है, हमें देखने में तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, और हम सोचते हैं कि वाह कितना ब्यूटीफुल है, या हम कोई भी कमेंट कर देते हैं, बट एक सिंपल से सिंपल पेंटिंग या स्केच बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये देखिए लाइट हाथों से शेडिंग की जाती है, जैसे मैंने एक ये नॉर्मल पेंसिल से शेड करी है, ये है नॉर्मल पेंसिल, ओके। और ये अब है 10B की, ये भी मैं लाइट, बिल्कुल लाइट चला रही हूँ, जैसे मैंने वो वाली चलाई थी, इससे भी लाइट शेडिंग कर रही हूँ मैं। बट दोनों में आपको डिफरेंस ये दिखेगा कि इसकी शेडिंग में और इसकी शेडिंग में बहुत फ़र्क है। ये थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, ये देखिए ये वाली पेंसिल, ये जो नॉर्मल पेंसिल थी ये वो थी, और ये आर्किटेक्ट्स की आर्टिस्ट की पेंसिल्स होती हैं, ये थोड़ी सॉफ्ट भी चलती है, ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होते हैं इसलिए कॉस्टली आते हैं, और ये वाली हम जो स्कूल टाइम में यूज़ करते हैं वो नहीं। बट ये देखिए थोड़ी सी लाइट है और ये डार्क है, तो हम स्केचिंग करेंगे तो स्केचिंग के लिए ये डार्क वाली पेंसिल बेस्ट रहती है फॉर स्केचिंग। देखिए इसकी शेडिंग और इसकी शेडिंग देखिए, आपको इन दोनों में फर्क तो दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।